सागर जिले के बंडा में मुख्य मार्ग पर सालों से अतिक्रमण पसरा हुआ है। दुकानदार दुकान के सामने ही अपना सामान रखे हुए हैं और रोड के बाजू से चार पहिया वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। बड़ा चौराहा पर बसों का स्थायी रूट नहीं है, आए दिन रूट बदल जाता है। फल विक्रेताओं को स्थायी न होने के कारण जहाँ तहाँ वह अपने हाथ ठेले लगा लेते हैं। वहीं पुलिस का बहुत ज्यादा ध्यान इस तरफ नहीं है। मुख्य मार्ग पर फैले अतिक्रमण और अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसको लेकर बंडा से सागर टीवी न्यूज के संवाददाता सूर्य कुमार दुबे ने लोगों से बात की। करें सागर टीवी न्यूज, इस समय बंडा में जो अतिक्रमण फैला हुआ है, इसके साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है वह दुरुस्त दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ आए दिन जाम लगता है तो कई बार मुख्य मार्ग पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। प्रशासन ने कार्रवाई की है लेकिन बाद में कार्रवाई करके बस्ती में चली गई। यहाँ कुछ जागरूक नागरिक खड़े हुए हैं, उनसे सीधी बात करेंगे कि कौन से वो राय अपनी देंगे और क्या कर रहा है ट्रैफिक का। बार बार ट्रैफिक लगता है, प्रशासन कार्रवाई करता है लेकिन बाद में स्थिति जस्ट तस्ट दिखाई देती है। राजू अग्निहोत्री यहाँ पर खड़े हुए, हम इनसे बात करेंगे कि ये ट्रैफिक की मुख्य चीज़ क्या है, ये इतना ट्रैफिक है। ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का मूल कारण है अतिक्रमण। अब अतिक्रमण को हम आप एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझाएं, ये जो आम है, ये आम है बारात रहा और इस पर जो बैठी हुई मक्खियां हैं ये हैं अतिक्रमणकारी, और जो खाना प्रभारी महोदय हैं ये हैं दुकानदार। ये आम पे बैठी हुई मक्खियों को भगा देते हैं लेकिन कुछ समय बाद वापस वो आके आम पे बैठ जाती है। इसी तरह अतिक्रमणकारियों को आप भगा देंगे, 10 मिनट 15 मिनट एक दिन दो दिन बाद वो वापस वहीं आ जाएंगे। इसका अगर वास्तव में अतिक्रमण दूर करना चाहिए तो एक स्थायी समाधान हमारे लिए बनाना चाहिए और इसका प्रयास करना चाहिए कि स्थायी रूप से अतिक्रमण हटे, ना कि बार बार आम पे मक्खियाँ मंडराती रहें। बस इतना ही कहना है। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि मुख्य मार्ग पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, वाहन खड़े रहते हैं। मुख्य मार्ग पर काफ़ी सारा अतिक्रमण है। मेरे परिवार के सदस्य स्वयं इस हादसे के शिकार हो चुके हैं, जो आज अपने एक पैर से विकलांग हो चुके हैं, और मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि अतिक्रमण पूरी तरह से मुख्य मार्ग से और साथ ही साथ बरातराहे से पूरी तरह से अलग हो जाए। यहाँ जो देखा गया है कि बस स्टैंड जितनी ज़्यादा बसें आती हैं उसके हिसाब से बस स्टैंड यहाँ पर नहीं है। अगर एक बस आती है उसके पीछे अगर दूसरी बस आ जाती है तो ट्रैफिक की स्थिति बन जाती है। पीटी राठौर हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं। देखिए क्या है, बस स्टैंड यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी का प्लेस ही है, तो यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार, चाय वाले हैं, फल वाले हैं, सारे लोग यहाँ लगाते हैं। लेकिन जितनी जगह है उसके हिसाब से कुछ संख्या निर्धारित होना चाहिए। सारे के सारे शहर को आप बस स्टैंड से रोजगार नहीं दिला सकते। इतने लोग यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, वो यहाँ कोई बस आती है, देखिए आप पीछे बस खड़ी होने के लिए जगह नहीं है, सब उसको घेर लेते हैं बस को। बस कहीं भी रोड पे खड़ी हो जाती है तो एक तरफ से पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। 10-10 मिनट 20-20 मिनट बस रोड पे खड़ी रहती है, यहाँ से लेके वो दूसरे स्टैंड तक बीच में 200 जगह कहीं भी बस रुक जाती है, कहीं भी लोग सवारियाँ बिठाने लगते हैं, पीछे से जाम लग जाता है। हाईवे है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इतना टाइम नहीं रहता कि 5 मिनट कोई वाहन रुक गया तो ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा, बहुत सारी भीड़ लग जाती है वाहनों की। मूल समस्या ये है, ये जो ठेला वाले हैं, फल बेचने वाले भाई लोग हैं, इनको जैसे पहले एसडीएम साहब ने व्यवस्थित कराया था यहाँ हैंडपम्प के पीछे, वहाँ ऐसे इनको व्यवस्थित कराया जाए और यहाँ एक जगह ये निश्चित की जाए कि इतनी जगह बसों के लिए खाली रहेगी, ताकि जो भी बस स्टॉप यहाँ पे हो रहा है वो बस के लिए यहाँ स्पेस रहे। इनको रोड पर खड़ाना होना पड़े और ये रोड पर जो भी आप खड़े करते हैं उनके खिलाफ़ रेगुलर वॉच करके उनको कार्रवाई करना चाहिए। कई बार दुर्घटना हो जाती है तो फिर सारे लोग कार्रवाई करने के लिए आते हैं, महीने भर बाद बराबर हो जाती है। ये तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें उनकी क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व है। सामने ही बैठते हैं, उनको करना चाहिए, कई बार इंटीमेशन है, सोशल मीडिया के थ्रू भी इंटीमेशन है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मैं बता नहीं सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कल देखा गया था कि और पहले भी देखा गया कि पुलिस चालान कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है बहुत सुस्त है। अभी ऐसा है कि जो प्रशासन कभी कभार ये लगाती है यहाँ चेकिंग, अगर ये चेकिंग एक निर्धारित समय बनाने के हफ्ता में एक दिन लगानी है तो रूटीन में आ जाएगा। लोगों को थोड़ा सा भय बना रहता है कि कोई गलत ना चल सके। बंडा में क्या सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण,
प्रशासन एक साल में शायद दो साल में एक बार मुहिम चलाता है, उसके बाद दूसरे दिन भाई लोग जम जाते हैं जगह जगह पर। तो इसके लिए तो शासन को, नगर प्रशासन को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि सुबह उन्होंने किया, हम लोगों ने पांच साल से देख रहे हैं, शाम को शाम स्थिति बराबर हो जाती है, उसमें कड़ाई से पालन कराना होगा, तभी कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ देखिए आप निकलने के लिए जगह नहीं रहती। मन जो मुख्य समस्या है यहाँ की ये कहाँ पर जाना, मतलब दिक्कत आजकल तो आप देखें, शाम को आ जाए यहाँ बैठ के देखें तो ऐसा दिन माँ की नहीं जा रहा है 15 दिन से कि जाम न लगा हो कॉलोनी सीधा मैन असागर कानपुर रोड ये बांदी रोड सारी जगह जाम की स्थिति बन रही है। इसका कारण एक है, रोडों पर वाहन खड़े कर देते हैं लोग बाग, ना कुछ प्रशासन का डर है, ना कुछ है, ना ये ठेला वाले अलग से टिकट रखते हैं। कुछ निर्धारित जगह दी जाए, इसका भी धंधा पानी चलता रहे, अपन ये चाहते हैं कि कोई स्वतंत्र जगह दे दी जाए, इनकी रोजी रोटी चलती रहे और जनता भी परेशान ना हो। आप क्या कहेंगे कि जो अतिक्रमण फैला हुआ है, ट्रैफिक व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है, देख ही रहे आप व्यवस्था ही तो देख रहे हैं, देखो क्या बस है जेना ढाड़ी गया है, तुम खुद देख ली। हम तो कभी आप कार्रवाई देंगे प्रशासन द्वारा? कछु नहीं कार्रवाई हो रही, कुछ नहीं हो रही कार्रवाई, कार्रवाई हो रही होती तो बाहर लगती थी बस, मतलब सब समय से नहीं लगती, मतलब बहुत सारी धर दी सवेरे से धर दी मम्मा। एक जो बसों का रूट है वो भी निर्धारित नहीं है, कभी सीधा कर दिया जाता तो कभी जो पंचमुखी मंदिर है उसको घुमा के रूट किया जाता है, जिसके कारण भी कई बार हादसे की स्थिति बनती है। अंकुर जैन हमारे साथ में, आप देख रहे हैं जो हमारा बड़ा स्टैंड है, जयनगर का हृदय स्थल है और यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था यह है कि आप देख रहे हैं जी सामने बस आ गई है, लोग खड़े हुए हैं, ठेला लगे हुए हैं, यहाँ पर कम से कम लोगों को पैदल चलने के लिए पटलियाँ तो खाली होनी चाहिए, लेकिन पटलियाँ भी खाली नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों का रोजगार छिने, रोजगार भी बना रहे और व्यवस्था भी बना रहे, इसमें लोगों की सरलता बनी रहे। तो क्या सलाह देंगे? मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि व्यवस्था इस तरीके की बनाई जाए कि हाथ ठेला चालकों को भी सुविधा बनी रहे, उनको भी दिक्कत ना जाए और लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी है बड़ा स्टैंड पर, उसका भी समाधान हो जाए। और आर्थिक हुआ तो अब ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, कोई लेडीज जा रही थी कहीं गाड़ी बन गए उनका सामने में आ गए तो उसका दुर्घटना हो ही गई। मेरी ये बने उठ लाना अपने स्तर पे ले जाना कि उतनी 20 फुट जगह तो ये क्यों यहीं क्यों सब कर रोजगार चल रहा है। अब क्या चाहते कि स्टेट ने कहीं और निर्धारित हो, दिन निर्धारित हो या ना हो, शासन प्रशासन का काम है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ से सुविधा भी दिखा रहा है। क्या सुविधा किस तरह भाई? जो ये बस आएगी यहाँ से तो है नहीं कि इतनी जगह में से जाती तो इतनी में से आ जाए निकल जाएगी, तो उतने में ही निकलेगी जितना उसका जगह है, उसको थोड़ा अपन को टाइट जैसे भी शासन का प्रशासन का वो कहे उस स्तर पर होना, वही सबसे बड़ी समस्या है। जितनी दुर्घटनाएँ हो रही है उसमें सारी चीज़ें हो रही, थोड़ी सी अनियमितता के कारण अपन सामने से पूरा प्रूफ देख रहे हैं, उसके बाद चलती है। लोगों को एहसास है कि यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, ये एक प्रकार से समाई समस्या, जब कुछ कार्रवाई नहीं करता है, कोई कुछ निराकरण नहीं करता है, तब तक इस पर कोई प्लान बने कि ट्रैफिक जो व्यवस्था है उस पर लगाम लगे, इसके लिए हम बात करते हैं हीरा राय हमारे साथ है कि वो बताएंगे कि
या किस तरह का मशवरा देंगे कि जो ट्रैफिक व्यवस्था और ये अतिक्रमण शहर में फैला हुआ है? मेरा मानना है कि सबसे पहले तो ये प्रशासन की संवेदनहीनता है, और अकेला ये जो पहलू होते हैं ट्रैफिक जैसी समस्या, इनमें प्रशासन अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, प्रत्येक नागरिक का भी इसमें अपना एक दायित्व तो बनता है। ये इस पर जैसे कि अभी कुछ मीडिया कर्मियों के साथियों ने इसको मुद्दा उठाया और विगत समय में भी सोशल मीडिया पर भी कुछ कैंपेन चलते रहे, ऐसी योजनाएं या ऐसे प्रकरण बनते रहने चाहिए। और मेरा मानना है कि प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसमें आम जनता आए सामने आए, जो अभी भैया लोग जो सामने आए इनको आना चाहिए और एक ठोस निराकरण निकालना चाहिए, और इसके लिए कुछ पनिशेबल ऑफेंस वगैरह आम जनता तक इसकी अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए। और ये चीज़ें ऐसे सॉल्व नहीं होती, अगर हम इसको एक बार एक कैंपेन बनाएं और इसको आम जनता तक, जब तक ये चीज़ पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें बार बार कुछ समय के लिए ठीक की जा सकती है, कुछ समय बाद इनमें फिर दोबारा से यही समस्याएँ आ सकती हैं। तो मिलजुल के इस पर बहुत बड़ी डिबेट करनी चाहिए, सभी को यह बात घर घर पहुँचानी चाहिए, स्पेशली उन लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना चाहिए जो जिनका ये अड्डा बना हुआ है, उन लोगों को हमें पर्सनली जाके जागरूक करना होगा और प्रशासन को अपना एक्टिव मोशन दिखाना पड़ेगा। बगैर प्रशासन एक्टिव हुए ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, और इनके लिए पर्टिकुलर एक प्लेस बना देना चाहिए, क्योंकि शायद बनाया भी गया है कई बार पहले पर उस पर अमल नहीं किया। अब हमें इस चीज पे बात करनी चाहिए कि अमल क्यों नहीं हुआ, इस चीज पे हमें केस स्टडी करनी चाहिए, वजह क्या रही कि वो काम हमारे अमल में नहीं आ पाया। यहाँ पे भी ये वाहन रखे रहते हैं, लोग वाहन रखे हैं, सामान रखे हैं, पहले भी एक की जनता हाँ ये देखा गया है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद जनता सामने आती है लगातार, उसके पहले सब कोई ये देगा मुझे क्या मेरा क्या, जब तक ये मेंटेलिटी बनी रहेगी कि इसमें मेरा लॉस नहीं है ये चीजें होने दो, तब तक ये समस्याएं बड़े रूप से पूरे समाज की प्रभावित करती रहेगी। ये अभी जैसे ऑडिट दिल्ली में भी देखा गया है, केजरीवाल जी द्वारा करवाया गया था ऑडिट, उन्होंने विदेश से कॉपी की, इससे पहले फॉरेन में वो फॉर्मूला अपनाया गया लेकिन उसके भी दिल्ली में सक्सेस नहीं मिले। हमारी जो एक जागरूक जनता के तौर पे हम मान सकते हैं कि हमारा जो लोकल प्रशासन है उसको भी कुछ ऐसा नवाचार लाना चाहिए, कुछ ऐसे नए आइडियाज लाना चाहिए, नए विचार लाना चाहिए जो जनता तक पहुंच जाए और कुछ नया हो ताकि जनता उस चीज को एक्सेप्ट करे और जनता प्रशासन की मदद करे। बिना जनता के और प्रशासन के साथ काम ठीक नहीं हो सकते, उससे पहले हमें इस चीज पर विचार करना चाहिए कि आम जनता पे जो यहाँ की ट्रैफिक करने वाले हैं वो और जो इसके सुधारक है उनमें तालमेल हो और उस चीज पर बात हो और एक कोई निर्धारित सॉल्यूशन निकले, उस सॉल्यूशन पे आगे जाके विचार किया जाए। बात करते हैं ये हाँ यहाँ पे फल देता है, हाथ कीड़ा लगाते हैं, उनकी बात करते हैं, हम लोगों को सही जगह दीजिए, यहाँ पर तो करवाई, हम लोग तो मजदूरी करते हैं, हम गरीब वाले तो कहीं भी गड़े बड़े पड़ता है, क्या गरीब लाते हैं मोटरसाइकिल आती है, मोटरसाइकिल वाले गरीब वाले सही जगह आप दवाई जो हम लगाएंगे हम लोग, मतलब आप लोगों को अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, सब लोगों को मिलेगी, कमरों वालों कपड़े वालों सब हम लोग भटकते हैं, जो चाहे लगा दीजिए था कुछ भी कह सकता है, क्या अगर मजदूरी करना है अब कुछ जो फल फ्रूट है वो बेचते हैं, कई समस्याएं हैं जिसका हर पब्लिक आम जनता बैठे और साथ प्रशासन बैठे और कोई ठोस कदम उठाए तो कहीं ना कहीं से जो ये ट्रैफिक व्यवस्था बनी हुई है इससे निजात मिल सकती है, और जो रोड दुर्घटना होती है जो बंडा मार्ग पर कई बार चार पाँच छह दुर्घटना होती है उनसे भी निजात मिल सकती है।